नमस्कार बच्चों, मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का एक टॉपिक है सोशल बिहेवियर इन ऑर्गेनिज्म, जिसके अंतर्गत हम रीसस मंकी का सामाजिक व्यवहार या सोशल बिहेवियर ऑफ रीसस मंकी के बारे में आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। रीसस वानर में सामाजिक संगठन एक विकसित प्रकार का पाया जाता है। इसमें परिवार कम उपस्थित होता है या छोटे छोटे समूह में रहते हैं। एक विशेष रीसस वानर की मादा अपने सभी किशोरों और शिशुओं को साथ रखती है। तब जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवास करते हैं, उस स्थिति में मादा या युवा हमेशा समूह में आगे रहते हैं। सबसे प्रभावी डोमिनेट नर समूह का नेता लीडर होता है। इसे वीटो अधिकार, वीटो पावर होता है, क्योंकि समूह के प्रत्येक सदस्य इसके निर्देश और नेतृत्व में कार्य करते हैं। ग्रूमिंग बिहेवियर इनमें सामान्यतः देखने को मिलता है। इन प्राणियों में प्राकृतिक आवास से सामंजस्य बनाने की विशेष प्रवृत्ति होती है। रीसस वानर में निम्न समूह होते हैं। केंद्रीय उपसमूह, सेंट्रल सब ग्रुप। इसमें कई प्रभावी डोमिनेंट नर वानर वयस्क और नवजात होते हैं। बीटो अधिकारी वाला नर भी इसी समूह में होता है। प्रभावी उपसमूह, डोमिनेंट सब ग्रुप। इस समूह में एक प्रभावी नर वयस्क मादा शिशु और किशोर होते हैं। थर्ड है परिधीय उपसमूह, पेरिफेरल सब ग्रुप। विश्राम अवस्था या प्रवास के समय नर रीसस परिधि पर रहते हैं। ये आक्रामक होते हैं, चेतावनी अनुक्रिया से समूह की रक्षा करते हैं, सूचनाओं का संप्रेषण भी करते हैं। मानव जाति को छोड़कर प्राइमेट गुट के सदस्यों में रीसस वानर का ही सबसे अधिक और विस्तृत अध्ययन किया गया है। यह मानव जाति से एक प्रकार से सहवासी के रूप में भी जुड़ा हुआ है। इनके विभिन्न गुट गांव तथा शहरों और सड़कों के किनारे पर पाए जाते हैं। अधिकतर ये मंदिरों और पिकनिक स्थानों में भी बहुतायत से मिलते हैं, जहां मानव की खाद्य सामग्री इन्हें सरलता से उपलब्ध होती है। इनके व्यवहार और सामाजिक संगठन व्यवस्था में एक ध्यान देने योग्य बिंदु यह भी है कि क्योंकि ये मानव से निकट संबंध स्थापित किए हुए हैं, मानव की कृत्रिम अधिकांशतः पक्की पकाई खाद्य सामग्री पर निर्भर होते हैं। फलस्वरूप इनका सामाजिक आचरण भी इस प्रकृति स्वभाव के कारण अपेक्षाकृत काफ़ी हद तक परिवर्तित हो गया। वानर भी एक यूथ ग्रीगेरियस जंतु है, बड़े बड़े समूह में रहता है, जिसमें सदस्यों की संख्या बार 200 तक पहुंच जाती है। प्रत्येक समूह में उपसमूह इकाइयाँ उपस्थित होती है। आदर्श रूप से ये प्रत्येक इकाई गुट 3 से 8 वयस्क नर, 5 से 10 वयस्क मादाएँ और मादाओं में संबंधित विभिन्न आयु के शिशुओं से रचित होती है। ऐसे बानर गुटों को बहुनर द्विलिंगी गुट, मल्टी मेल बाईसेक्सुअल ग्रुप की संज्ञा दी जाती है। कई मादाओं संततियों सहित कई नर समूह या कई नर द्विलिंगी समूह, मैनी फीमेल मैनी ऑफस्प्रिंग ऑफ मल्टी बाईसेक्सुअल ग्रुप्स। इन समूह में 3 से 8 वयस्क नर होते हैं, प्रत्येक के साथ 6 से 7 मादाएं होती है। वे अपने शिशुओं इन्फेंट्स के साथ रहती है। इनमें कई समूह इकाइयों के साथ रहती है, एक बड़ा समूह बनाती है। बहुनर द्विलिंगात्मक समूह अन्य समूह के से बड़े होते हैं। इनमें 160 तक सदस्य हो सकते हैं। इनकी स्थलचर प्रकृति के कारण बहुनर द्विलिंगात्मक समूह की उत्पत्ति मानी जाती है। कई वर्षों पूर्व जब पेड़ों पर स्पर्धा और संघर्ष बढ़ गया होगा, तब कुछ स्तनी जातियों ने वृक्षों को छोड़कर भूमि पर आना प्रारंभ कर दिया होगा। बड़ा समूह होना इसकी पराचर सुरक्षा का होना है। रीसस वानर के बहुनर द्विलिंगी सामाजिक गुट में प्राबल्य श्रेणीबद्धता डोमिनेंस हायरार्की स्थापित रहती है, जिसके अंतर्गत शिखरीय छोर पर वयस्क नरों का प्राबल्य अर्थात प्रभुत्वता होती है। इन नरों के मध्य एक क्रमवार रेखीय प्रभुत्वता लीनियर हायरार्की कुछ विशेष प्रकार की व्यक्तित्व अंतःक्रियाओं द्वारा स्थापित तथा अनुरक्षित की जाती है, जिसके अंतर्गत एक विजेता नर दूसरे
हारे हुए नर पर नर पर प्रभावी अथवा प्रबल डोमिनेंट होता है। फलस्वरूप किसी रीसस बानर गुट में सामाजिक प्राबल्य श्रेणीबद्ध विन्यास के चरम बिंदु और शिखर पर सबसे प्रबलतम प्रमुख अथवा गुट का नेता लीडर होता है। शेष वयस्क नर क्रमशः निम्न कोटि की क्रमवार प्रबलता प्राप्त किए होते हैं। इस प्रकार की रेखित श्रेणीबद्ध प्रबलता के स्थापना एवं नियमन में विशेष आचार या अंतक्रियाओं से धमकी प्रदर्शन ये थ्रेट डिस्प्ले एप्टेक्ट पारस्परिक अंतक्रिया प्रमुख होती है। बानरों में धमकी प्रदर्शन थ्रेट डिस्प्ले विभिन्न प्रकार का होता है, जिनमें से सबसे सामान्य निम्न प्रकार के होते हैं। मुद्रा पोस्चर किस प्रकार का शो करता है, यह प्रमुख प्रकार का धमकी प्रदर्शन होता है जिसके अंतर्गत एक बानर अपने प्रतिद्वंदी के प्रति एक तनाव युक्त टेंस और धमकी क्रॉफिंग आक्रामक मुद्रा प्रदर्शित करता है। इस मुद्रा में यह अपने प्रतिद्वंदी को भौहें चढ़ाकर घूरता है, साथ ही मुख खोलता है, कर्ण पल्लवों को शीर्ष से चिपका लेता है। इस मुद्रा के साथ बानर बारंबार खांसता है, गुरगुराता है भी है। इसी प्रक्रम में अनेक बार बानर अपने शीर्ष को ऊपर नीचे हेड बॉबिंग भी करने लगता है। झपटना खदेड़ना संघर्ष लॉन्च चेज और क्लास उपयुक्त प्रदर्शनों के फलस्वरूप अंत में कभी कभार बानर अपने प्रतिद्वंद्व पर झपटता है, उस पर वास्तविक आक्रमण करके उसे खदेड़ने का प्रयास करता है। इस पारस्परिक प्रतिद्वंद्वता संघर्ष में भी परिवर्तित हो सकता है, जिसके अंतर्गत एक दूसरे को नोचता खरोचता एवं काटना सम्मिलित होता है। अधिकांश दशा में किंतु और पारस्परिक अंतक्रिया में अधीनस्थ बानर बिना वास्तविक संघर्ष आदि के ही स्थान को छोड़ देता है। नरों के कारण इन मादाओं का भी प्रभाव अधिक हो जाता है। सबसे अधिक प्रभावी नर अल्फा, द्वितीय स्तर का प्रभावी बीटा और तीसरे स्तर का प्रभावी गामा होता है। इनके स्तर के कारण इनकी मादाएं शिशु और शिशुओं किशोर की प्रभाविता प्राप्त कर लेते हैं। प्रभावी नर आत्मविश्वास और लंबी डगों से चलता है, कुछ ऊपर उठाकर बीटा नर संभल कर पूंछ टांगों से दबा कर चलता है। रीसस में इस प्रकार का व्यवहार कम समय के लिए होता है। प्रथम घूमना, फिर पैरों पर खड़ा होकर मुख खोलकर शीर्ष को ऊपर नीचे करने के साथ भूमि को हाथों में थपथपाना होता है। यह प्रतिद्वंदी इस पर भी भागता नहीं तो वे वास्तव का आक्रमण करता है। वंशवर्ती अभिक्रिया सबमिशन रेस्पॉन्स, कभी कभी जब दो प्रतिद्वंदी परस्पर निकट आते हैं तब उनमें से एक सदस्य अधीनस्थ एक दुवक ने कावरिंग जैसे प्रकार की मुद्रा प्रदर्शित करता है, साथ ही एक तेजी और तीखी ध्वनि से चीखना भी लगता है। इस अभिक्रिया को वंशवर्ती अभिक्रिया की संज्ञा दी जाती है। यह अभिक्रिया प्राबल्य श्रेणीबद्ध संस्थान को नियमित रखने में आवश्यक मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये बंदरों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक व्यवहार रीसस मंकीज के अंदर देखे गए हैं, जो एक समाज में रहने के लिए बंदरों को प्रेरित करता है। थैंक्स, धन्यवाद।